नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई, बहुत सारे लोगों के एक ही क्वेश्चन है, लगभग व्हाट्सएप पे भी आते हैं, आप कमेंट में भी करते हैं और भी फ़ोन वगैरह भी करने की कोशिश करते हैं इसी से रिलेटेड। फ्लाइट शेड्यूल, सर मैंने फॉर्म भर दिया, मुझे 10 दिन हो गए, किसी को 5 दिन हो गए, किसी को 15 दिन हो गए, मेरा नंबर नहीं आ रहा है। इससे रिलेटेड मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा कि भाई आपका नंबर क्यों नहीं आ रहा है, आएगा तो कैसे आएगा, ठीक है। सेकंड, हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा साथियों, अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और फेसबुक वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो पेज को लाइक ज़रूर कर लें, ताकि हर रोज़ आपको नई नई जानकारी विदेश से रिलेटेड मिलती रहे। पहले तो मैं सूचना आपको इम्पोर्टेंट सूचना ये दे दूं कि लगभग 5 लाख के करीब इंडियन जो आने वाले हैं ऑल वर्ल्ड से रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों के अभी भी कमेंट आ रहे हैं सर ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरूं, कैसे भरा जाता है, तो मैं बता दूं भाई जल्दी से जितना हो सके ऑनलाइन फॉर्म भर के सबमिट कर दो। जैसे कुवैत में अभी ऑनलाइन फॉर्म बंद कर दिया है गवर्नमेंट ने, वहाँ की एम्बेसी अभी ऑनलाइन फॉर्म नहीं ले रही, आपको नहीं पता है तो बता दूँ। और मेरे जहाँ तक सूचना, मेरे पास जहाँ तक थोड़ी थोड़ी सूचना आ रही है कि ऑनलाइन फॉर्म अभी बंद हो सकते हैं, क्योंकि जितने होने थे वो हो गए, अभी जो होंगे वो एक्स्ट्रा में होंगे तो गवर्नमेंट हो सकता है उसको बंद कर दे। तो जिन्होंने नहीं किया है वो भाई ऑनलाइन फॉर्म जरूर सबमिट करके अपनी जो भी आईडी है, जिन जिन कंट्रियों के हैं, इधर उधर से दोस्तों से भरवा भरो के कंप्लीट करें। आगे हम बात करते हैं साथियों की, सबसे ज्यादा 90% क्वेश्चन यही है लोगों के कि सर हम 10 दिन से बैठे हैं, हमें 15 दिन हो गए, हमें 20 दिन हो गए, ऑनलाइन फॉर्म भरे हुए लेकिन अभी तक कोई सूचना नहीं है। बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं सर फॉर्म भरने के बाद कोई एम्बेसी की तरफ से कोई कॉन्टैक्ट होता है या कोई मैसेज आता है, कन्फर्म कैसे करें कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया। तो भाई देखिए, यही है कि मैसेज, आपने जो फॉर्म सबमिट किया है वो आगे चला गया, ठीक है, तो वो ही आपको मानना पड़ेगा कि वो श्योर है कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया, गवर्नमेंट के पास डिटेल आ गई। अब हम बात करते हैं साथियों की, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन एक ही है फ्लाइट से रिलेटेड। तो मैं एक ही बात बता देना चाहूँगा कि मान लीजिए आप इंडिया के 32-33 स्टेटों के रहते हैं या जितने भी स्टेटों में रहते हैं, अब गवर्नमेंट ने क्या है कि जैसे पिछली तारीख में 7 मई से लेकर 13 मई तक का शेड्यूल था, ठीक है, जिस जिस कंट्रियों की जितनी जितनी फ्लाइट थी, किसी में 5 थी, किसी में 7 थी, किसी में 4 थी, तो वो शेड्यूल बनाया हुआ था। अभी जो शेड्यूल चल रहा है 16 मई से लेके 23 मई 24 मई तक, हालांकि 23 मई डॉक्यूमेंट में है लेकिन 24 मई तक की फ़्लाइटें चल रही हैं। तो 16 मई से लेके 24 मई तक जितनी भी फ़्लाइटें हैं, बात करें दुबई से रिलेटेड, अपन एग्जांपल ले लेते हैं, सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, बाकी ये चीज़ हर कंट्री पे लागू होती है। जैसे दुबई की अभी लगभग 11 फ्लाइट हैं, अभी की अगर बात करें 7 दिनों में 11 फ्लाइट हैं। अब 11 फ्लाइटों में, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था भाई, 5 स्टेटों में फ़्लाइट जाने वाली हैं, जिसमें दिल्ली हो गया और कोची केरला, उधर की ज़्यादा फ्लाइटें हैं, लगभग 7-8 तो उधर की हैं, 5 इधर की हैं पूरे, और 5 जितने भी हैं, जिसमें एक शायद पंजाब है, एक दिल्ली है, ऐसा कुछ है। तो अब मैं बता दूं कि मान लीजिए आप यूपी से हैं या आप बिहार से हैं, तो उस शेड्यूल में अगर आपकी फ़्लाइट नहीं है, ये तो 5 से स्टेटों में जाएंगी ये फ़्लाइट, तो उस स्टेट में आपका नंबर ही नहीं आ रहा उन फ्लाइटों में, तो फिर आपके पास कॉल कैसे आएगा। कॉल आपके पास उसी सिचुएशन में आएगा जिस शेड्यूल में, जिस टाइम में आपके स्टेट में फ़्लाइट लैंड करेगी, आपका शेड्यूल में आपका स्टेट आएगा। जैसे अभी के शेड्यूल में मान लो दिल्ली आ रहा है, तो दिल्ली के आसपास के हैं, दिल्ली हो गया या फिर राजस्थान दिल्ली के टच में है, या फिर थोड़ा बहुत यूपी पड़ जाता है या फिर हरियाणा पड़ जाता है, तो इन लोगों को कॉल किया जाएगा एम्बेसी की तरफ से। दूसरी बात, मैं एक मैसेज और दे दूँ आपको कि भाई मैसेज आपके पास, आप ये सोच रहे हो कि आपकी लोकल एम्बेसी से आएगा, इंडियन एम्बेसी से नहीं आएगा। जैसे आप दुबई रहते हो तो दुबई एम्बेसी से कॉल नहीं आएगा, और आप जैसे सऊदी अरबिया, कुवैत, कतर कहीं पर भी रहते हो, वहाँ की एम्बेसी से कॉल नहीं आएगा, आपके पास कॉल जाएगा इंडियन एम्बेसी इंडिया से। जी हाँ साथियों, ये इंपॉर्टेंट बात है। और इंडिया से कॉल आपके पास तभी जाएगा जब आप, जैसे मान ली आप दिल्ली के हो, तो दिल्ली के आसपास के जितने भी हैं उन लोगों के पास कॉल जाएगा, न कि आप उत्तराखंड के या फिर महाराष्ट्र के हो तो दिल्ली वाली फ़्लाइट में उनका कॉल नहीं जाएगा। तो ये एक शेड्यूल बनाया गया है, आप जिस स्टेट से रिलेटेड फ्लाइट होगी उन्हीं लोगों को कॉल जाएगा यहाँ से डायरेक्ट आपके पास, और यहाँ से आपकी ईमेल द्वारा पूरी सूचना कहाँ कर दी जाएगी, आपकी लोकल एम्बेसी में, जिस देश में आप रहते हैं। जैसे दुबई में है तो दुबई एम्बेसी आपका वहाँ से, यहाँ से पूरा बायोडाटा चला जाएगा। तो वहाँ की फिर आपको एम्बेसी क्या करेगी, फ़्लाइट से 2-3 दिन पहले आपके पास कॉल किया जाएगा वहाँ की लोकल एम्बेसी के द्वारा, आपके पास हैं, आपको बोला जाएगा भाई आपकी फ़्लाइट है, आप रेडी रहें, 2-3 दिन पहले कॉल आ जाएगा, जिसमें आपको टिकट के पैसे तैयार रखने हैं, आपको तैयारी कर लेनी है, आपका जो भी है पूरा प्रोसेस तैयार करके रहना है, ताकि जैसे आपके पास कॉल आए तो आप फ्लाइट के लिए जा सकें एयरपोर्ट के लिए। तो मेरे हिसाब से साथियों आपको समझ में आ गई होगी कि आपका नंबर किस तरह से आएगा फ्लाइट में,
क्योंकि यार कमेंट का आंसर मैं नहीं दे सकता भाई, इतने ज़्यादा हज़ारों कमेंट आते हैं एक दिन के अंदर, तो आप समझदार हो। मेरे व्हाट्सएप पे 1000 मैसेज आते हैं, आप समझदार हो, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ कि व्हाट्सएप पे मैं आंसर नहीं दे पाऊँगा, समझ गए बात को। तो आप समझ गए होंगे कि आपका फ्लाइट में किस तरह से नंबर आएगा। अभी 16 मई से लेके 24 मई तक आप आपको मैंने वीडियो पहले सब वीडियो बना रखे हैं मैंने कि कौन सी कंट्रियों के कहाँ का फ्लाइट है। अगर आपके स्टेट में फ्लाइट लैंड होगी तो 16 मई से 24 मई के बीच में, तो आपके पास कॉल आ सकता है बाई चांस। बाकी भाई एक फ्लाइट में कितने आते हैं, 130 आते हैं, 177 आते हैं, 200 भी मैंने तो कोई फ्लाइट में देखे नहीं है। हाँ यूरोपीय कंट्री अमेरिका है वहाँ से ज़रूर आते हैं, बाकी गल्फ कंट्री में 130 177 इतने ही बंदे आते हैं। एक मान लीजिए दिल्ली फ्लाइट आएगी दो दिन बाद में, तो उसमें तो 177 आदमी आएंगे, बाकी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है मान लो हज़ारों ने, तो वो कॉल भी सबके पास नहीं आएगा। वो फिर आपने जो फॉर्म भरे थे उसमें वो छंटनी होती है डॉक्यूमेंट्स की कि हाँ इसको ज़्यादा इमरजेंसी है, इसको इमरजेंसी है, बहुत 500-700 कर लेते हैं, फिर उनको सबको कॉल करते हैं, फिर उनमें से जो आने लायक होता है उनको छांट के इंडिया लेके आते हैं। ये प्रोसेस है इंडिया पहुंचने का फ्लाइट के द्वारा। तो मेरे हिसाब से साथियों पूरी जानकारी आपको मिल गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। और भी आपका कोई क्वेश्चन है तो भाई कमेंट के माध्यम से अगर आप देख करते हो तो मैं वीडियो के माध्यम से आंसर देने की कोशिश करूंगा। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर रोज़ आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।